हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 1 जून और आज से आप जानते हैं कि सेबी का जो थर्ड फेज़ है मार्जिन से रिलेटेड, वो बिल्कुल लाइव हो गया है। यानी कि आज से अगर आपने ऑप्शन सेल करने की कोशिश की होगी निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक लॉट, तो आप जानते हैं कि इंट्राडे में आपको करीब 1,20,000 रुपये के आसपास का दिखाई दिया होगा कि मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो अब हम मार्जिन को रिड्यूस कैसे करेंगे, इस पर मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मार्जिन क्या बड़े हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला ही वीडियो था, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, हम एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करते हैं। तो आज मैं आपको डेबिट स्ट्रेटजी और क्रेडिट स्ट्रेटजी दोनों यहाँ पर लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा उनमें, और बताऊंगा सिर्फ मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना कम मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप डेबिट क्रेडिट क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजी वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बुलिश है और मैं बाय ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं कॉल बाई करूँगा या फिर पुट सेल करूँगा। तो पहले मैं कॉल बाई करके जो ट्रेड करना चाहूँगा वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप 35,500 की कॉल में बाई कर रहा हूँ और 35,800 की कॉल में सेल कर रहा हूँ। अब अगर आप 35,500 की कॉल का प्रीमियम देखेंगे तो 254 रुपये के आसपास है, और वहीं 35,800 की कॉल अगर मैं सेल करता हूँ तो उसका प्रीमियम 146 रुपये के आसपास है। अब आप बोलेंगे सर ऊपर जाने की ट्रेड कर रहे हो तो सेलिंग क्यों कर रहे हो, इसी को हेजिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, और ऑप्शन सेलिंग भी ट्रेड चल रही फिर भी आपका मार्जिन बेनिफिट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप इस ट्रेड को अप्लाई करेंगे, देखिए 35,500 की बाई और 35,800 की कॉल सेल, तो इस ट्रेड में आपका 4,556 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, मैक्सिमम लॉस मेरा 2,944 से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 35,500 की कॉल ही ट्रेड करते जो कि 245 के आसपास है, तो आपका मैक्सिमम लॉस 6,000 से ज़्यादा का होता है। लेकिन इस ट्रेड को हैज करके मैंने अपना लॉस 3,000 रुपये तक ले आया हूँ। अब इसको मैं MIS में कन्वर्ट करता हूँ कि MIS में ट्रेड मैं कर रहा हूँ इंट्राडे में। दोनों मार्केट पर क्लिक कर देता हूँ और प्लेस ऑल ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि ये जो डेबिट स्ट्रेटजी है ऑप्शन हेजिंग की वो कितने रुपए में बनती है। मैं आपको अपने लाइव एंजल ब्रोकिंग के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, दोनों ऑर्डर हमारे लग चुके हैं, 35,800 की कॉल सेल हो चुकी है और 35,500 की कॉल बाई हो चुकी है। अब देख सकते हैं, ये हमारा एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों, और आप ये देख सकते हैं दोनों ऑर्डर फुल्ली एग्जीक्यूट हो गए हैं। पोजीशन बुक में जाकर आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में दोनों ऑर्डर चल रहे हैं हमारे, और आप ये देखिए कि 35,500 की कॉल एक लॉट हमने बाई किया है 261 रुपये की एवरेज प्राइस पर, और 35,800 का कॉल एक लॉट हमने सेल किया है 145 रुपये की एवरेज प्राइस पर, हमारा लॉस कम करने के लिए। अब इसमें मार्जिन को हम देखें कितना मार्जिन लगा होगा डेबिट स्ट्रेटजी को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हमारे पास सिर्फ 23,161 रुपये अकाउंट में है, उसमें भी ये ट्रेड आराम से इंट्राडे में चल रही है। 18,480 रुपये सिर्फ रिक्वायर्ड हैं दोस्तों, और ये ट्रेड अगर आपको डिलीवरी में भी करनी होती तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये आपके पास होते तो इस ट्रेड को आप डिलीवरी में भी अपना अप्लाई कर सकते थे दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर्स मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन में जाकर कि दोनों ट्रेड हमारी चल रही हैं, और दो अगर 25,000 रुपये भी होते तो आप ये डेबिट स्ट्रेटजी को डिलीवरी में अप्लाई कर सकते थे। तो इस ये फ़ायदा होता है ऑप्शन हेजिंग करने का कि अगर आप बाइंग साइड में हेजिंग कर रहे हैं, डेबिट स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपका लॉस मिनिमाइज हो जाता है, देख सकते हैं। और ऐसी ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त निकल के आता है डेबिट में, 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, फंड नीडेड जहाँ पर ये दिखा रहा है 24,374, उसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपके पास इतना फंड होता आपके ब्रोकर के अकाउंट में तो आप इस ट्रेड को डिलीवरी में अप्लाई कर सकते थे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने आपको ये डेबिट स्ट्रेटजी बना के दिखाई है, जो कि इंट्राडे में 18-19,000 रुपये लगे हैं और आप डिलीवरी में 25,000 रुपये में आराम से इस ट्रेड को कर सकते थे। तो आप अगर इनका बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पर जाके अपना फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और मार्जिन बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल के कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रेड सिर्फ मैंने आपको मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई थी, अब मैं क्या करूँगा इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा। और आप बोलेंगे सर डेबिट तो ठीक है, क्रेडिट स्ट्रेटजी बना के दिखाइए कितना मार्जिन लगता है, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा और फिर आपको क्रेडिट स्ट्रेटजी भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कितना मार्जिन वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए, इसमें एंजल में एक और बेनिफिट होता है कि आप एक साथ दोनों ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो आपके कोई मार्जिन पेनल्टी का कोई लफड़ा नहीं रह जाता वहाँ पे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि मार्जिन पेनल्टी भी जबरदस्त लग रही है। तो अगेन हम देखिए दोबारा सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर आए, और बैंक निफ्टी में मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा। क्रेडिट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हमारी जो मेन ट्रेड होगी जिसमें हम पैसा कमाने की कोशिश करेंगे वो होगी ऑप्शन सेलिंग वाली, और ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड सिर्फ हमें मार्जिन बेनिफिट के लिए या फिर थोड़ा सा लॉस कम करने के लिए हम करेंगे। तो देखिए, मैं 35,500
500 की पुट को यहाँ पर सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू है बुलिश, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो 35,500 की पुट मैं सेल कर रहा हूँ 340 रुपये की प्राइस पे, और सपोज़ कीजिए 35,300 की पुट से ही मैं इसको हेज करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस 2600 से ज़्यादा का नहीं हो सकता, मार्केट में कुछ भी तूफान आ जाए, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 2400 से ज़्यादा का नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी बोला जाता है। इसमें थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम निकल कर आता है, और इस ट्रेड को अगर आप डिलीवरी में करना चाहते हैं तो अभी आप बोलेंगे सर सिर्फ आपने 200 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया है यहाँ पर 35,500 35,300, क्या मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस बना सकता हूँ 1,000 1,500 पॉइंट का? तो उसके बारे में बात करूँगा मैं डिस्कस में। अभी देखिए ये दोनों ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ इंट्राडे में, तो ये दोनों ही ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गए। आपको पता ही है कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 23,000 रुपये हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर हमारे लग चुके हैं। अब मैं आपको ब्रोकर के अकाउंट में भी एक बार ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए हम वहाँ पर वापस आए अपने ब्रोकर के अकाउंट में, और पोजीशन में आप जाके देखेंगे तो देखिए इंट्राडे में 35,500 का पुट सेल है एक लॉट 345 रुपये की एवरेज प्राइस पर, और 35,300 का पुट बाई है एक लॉट 250 रुपये की एवरेज प्राइस पर। और ये हमारी क्रेडिट स्ट्रेटजी है जो कि चल रही है, जिसमें हमारा मेन पैसा ऑप्शन सेलिंग साइड से बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको फंड भी दिखा देता हूँ कि इस ट्रेड को करने में भी कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, कितना लगा है हमारा। तो सिर्फ लगभग 22,000 रुपये हमारा इस ट्रेड को करने में लगा है। अभी भी हमारे पास लगभग 1,250 रुपये अवेलेबल मार्जिन है, और टोटल मार्जिन हमारे पास कितना था 23,000 रुपये दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्रेडिट और डेबिट कोई भी स्ट्रेटजी बनाए बहुत कम मार्जिन में आप बाई सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इन सब का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा हमें, और अगर अकाउंट ओपन कराते हैं हमारी रेफरल से तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक तो कैशबैक मिलता है, दूसरा हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल में ऐड होते हैं, दूसरी बात हमारा सपोर्ट आपको हमेशा के लिए मिलता है, जिसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ वहाँ पर खड़े रहते हैं और उसको पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इस ट्रेड को भी मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं है, ये सर मैं मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। अब बात करते हैं उस पॉइंट की कि सर आप बोलेंगे सर सिर्फ 200 पॉइंट का स्प्रेड है, 35,500 35,300 में 200 पॉइंट डिफरेंस हुआ, अगर मुझे ऐसा करना हुआ कि मैं एक्सपायरी के टाइम पे भी कोई 200 रुपये वाला प्रीमियम सेल करूं और 1-2 रुपये वाला बाई कर लूं मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो क्या कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंजल में आपको ये बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। बहुत सारे ब्रोकर में आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो स्ट्राइक प्राइस ओपन इंटरेस्ट की वजह से ब्लॉक दिखा देता है कि ये स्ट्राइक प्राइस लिक्विड नहीं है और आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ ज़्यादा सीन नहीं मिलता है। आप बहुत ज़्यादा दूर का भी यहाँ पर ऑप्शन बाई या सेल कर सकते हैं, और हमने पास्ट अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में आपको वो प्रूफ भी दिखाए हैं कर कि हमने इस एक्सपायरी के दिन भी 150-200 वाला प्रीमियम सेल किया है और 1-2 रुपये वाला प्रीमियम बाई करके हमने पैसा कमाया मेन ऑप्शन सेलिंग से, जहाँ पर आप सिर्फ मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए बहुत दूर का ऑप्शन बाई कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाइए, आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट ओपन जरूर कराइए या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको बाकी सारी डिटेल वहाँ पर देंगे। तो आप देख सकते हैं। और दूसरी बार अगर आपको एक साथ स्क्वायर ऑफ करना है तो एक्शन पर क्लिक कीजिए, दोनों ट्रेड आप टिक हो जाएंगे, और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो एक साथ दोनों ऑर्डर आपके स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके मार्जिन पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन ऐसा करने से पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि अपने ऑर्डर बुक को चेक जरूर करिए, उसमें कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, तब आपके दोनों ऑर्डर एक साथ स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि 23,000 रुपये में ही हमने डेबिट और क्रेडिट जैसी दोनों स्ट्रेटजी अप्लाई की है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 30-32,000 रुपये भी हैं तो आप क्रेडिट स्ट्रेटजी या डेबिट स्ट्रेटजी में आराम से अब भी ट्रेड कर सकते हैं हेजिंग करके, और ये एक सितंबर के बाद भी ये वैलिड रहेगा क्योंकि हेजिंग में मार्जिन हमें जैसे मिल रहे हैं उसी तरीके से मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे।